वहीं मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा शिवरात्रि पर्व पर चैल चौक बाजार में सद्भावना यात्रा निकाली गई। समिति द्वारा ओरी से गणई होते हुए चैल चौक तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए इस सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व की धूम जहां हर जगह देखने को मिली, वहीं चैल चौक में इस पर्व पर मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा सद्भावना यात्रा निकाली गई। इस मौके पर महात्मा विद्युतानंद जी ने बताया कि जाति व धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को दूर करने और लोगों में एकता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सद्भावना यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बताया कि इस अशांत वातावरण में संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ये यात्रा निकाली गई शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए, जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यानी कि जो विघटन हो रहा है, इस विघटन को समाप्त करके जो आत्मज्ञान है जिसके माध्यम से कि हम संगठन और एकता को कायम कर सकते हैं, उसी को फैलाने के लिए यात्रा निकाली गई है। जबकि आज हमारा देश जो है ना, अनेक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी अशांति है, तो देश को चाहिए, हर व्यक्ति को शांति चाहिए। और जब व्यक्ति शांति होगा तभी वो संगठित भी होगा, तभी वो जो है ना अपने आप में एहसास करेगा हर चीज़ को। और जो अशांत व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति कभी जो है संगठित नहीं हो सकता, उसके अंदर दानवता का आविर्भाव होगा। तो इसलिए मानवता को कायम करने के लिए ये जो है यात्रा निकाली गई, चाहे तो जिसका संदेश ये दिया जा रहा है कि आज व्यक्ति को आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। इस देश को संगठित किया और संगठित करके दानवता का सामना किया, और दानवता का सामना करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए सबसे पहले उनको आत्मज्ञान से प्रेरित किया। आत्मज्ञान दे करके जब उन्होंने आत्मज्ञान की साधना किया, तब उनके अंदर जब उनकी ऊर्जा संगठित हुई, तो संगठित होने के बाद उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ा, जिससे उन्होंने हर संघर्ष का, हर उसका जो है सामना किया। समिति द्वारा भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने का संदेश देते हुए ओरी से गणई होते हुए चैल चौक तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट।